पर्सनली मेरा ये मानना है कि ब्लाउज एक ऐसी चीज है जहां पर हम इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं और उसे यूटिलाइज कम कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई डिजाइनर साड़ी ली तो उसके साथ आप डिजाइनर ब्लाउज बनवाओगे, आप क्या करते हो उसके साथ टेसल लगवाते हो, उसमें कोई अच्छी डिटेलिंग करवाते हो, तो जो टेलर होता है ना एक अच्छा खासा बजट आपको बनाकर देता है। एंड उन ब्लाउज को जितने वो डिजाइनर होते हैं ना, उनका नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि हम उन्हें उतना ही कम रियूज कर पाते हैं। तो अपने ब्लाउज को आप इस तरीके से कस्टमाइज कराइए कि आप उनमें इन्वेस्ट कम करें और यूज आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा कर सके मेरी तरह। हे लवलीज, मैं हूं नेहा, आप देख रहे हैं भावना क्रिएशंस। आपके साथ ऐसे आइडियाज जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ और अपने ब्लाउजों को सालों साल यूज करती हूँ, जिनका ट्रेंड भी कभी नहीं जाता और जो हमेशा स्टाइलिश लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक दीजिएगा, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन में आता है कि आपको फोकस करना है आपके ब्लाउज के नेक पर। आपको इस तरह के नेक डिजाइन लेने हैं जिनमें मेहनत कम होती है और हमेशा स्टाइलिश लगते हैं। अब वो कौन से नेक डिजाइन होते हैं? फर्स्ट होता है राउंड नेक, जिसका फैशन जो है ना, चाहे आप 90s की हीरोइंस को देख लो, 40s की, 50s की एक्ट्रेस को देख लो, अब की एक्ट्रेस को देख लो, किसी फेमस सेलिब्रिटी को देख लो, उनको भी आप देखोगे ना तो आपको राउंड नेक के साथ वो ब्लाउज दिखाई देंगे। वो बहुत सिंपल सोबर पहनते हैं और हमेशा स्टाइलिश लगते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर आते हैं वी नेक। वी नेक तो जब भी आप कोई डिजाइनर लहंगा देखोगे ना, उसके साथ आपको चाहे लहंगा कितना भी डिजाइनर क्यों ना हो, आपको जो ब्लाउजेस दिखेंगे ना उसके साथ सिंपल वी नेक डिजाइन होंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि हमेशा ट्रेंड में होते हैं, एवरग्रीन नेक लाइंस होते हैं वो। अगर आप भी बहुत ज्यादा अपने ब्लाउज को पहनना चाहते हो ना, तो उसमें इन्वेस्ट करो, इस तरीके के ब्लाउज में इन्वेस्ट करो जिनके नेक जो है ना, जो अभी शेयर किया मैंने आपके साथ, वो नेक लाइन होनी चाहिए। राउंड इस तरीके के होते हैं, आपने देखा ही हुआ है कि ये ब्लैक है, तो ब्लैक तो वर्सेटाइल पीस होता है अपने आप में, आप उसे ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो। इस ब्लाउज ये मैंने एक्चुअली कॉम्बो में मीशो से लिया था और ये आने वाली वीडियोस में आप देखोगे कि ये कितना काम आने वाले हैं ब्लाउज मुझे। ब्लैक मेरे पास और भी है, उसको मैं ऑलरेडी ब्लाउज की वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, नहीं देखा है तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। इसको मैंने 300 में लिया था, काफी अच्छा कॉम्बो था, फाइन मटेरियल का फैब्रिक है। इसमें आपको यहाँ पे पैड मिल जाएंगे, अंदर कॉटन की लाइनिंग है इसके अंदर, फ्रंट से ये ऐसा है एंड बैक से ये ऐसा है, इस तरीके का। तो इस तरीके का जो मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही बना लूं, फिर मुझे लगा कि फैब्रिक लो, उसको खुद से बनाओ तो उसमें टाइम लग जाएगा। 300 में ये मुझे बहुत अच्छा कॉम्बो लगा, तो मैंने ये मीशो से ले लिया। 300 में तो हम सिर्फ स्टिचिंग ही पे कर देते हैं। तो इस तरीके का जो ब्लाउज है ना, आप अपने पास कॉमन बेसिक कलर जो होते हैं, ब्लैक हो गया, मरून हो गया, बॉटल ग्रीन हो गया, ये मेरे पास एक बॉटल ग्रीन ब्लाउज है और आप बिलीव नहीं करोगे, इसको 7 to 8 years हो गया है मेरे पास, राउंड दिया हुआ है मैंने, और ये पीछे से ना इसका स्क्वायर नेक है और नॉट दिया हुआ है सिंपल सा, इसको मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इतना काम आता है ना, इस तरीके के ब्लाउज आप अपने पास रखिए, चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, इनका ट्रेंड कभी नहीं जाता। सेकंड टिप में आता है ब्लाउज की स्लीव। अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो हम स्लीव बनवा ही लेते हैं, तो उन्हें हम ट्रेंड के साथ ही पहन सकते हैं, ज्यादा यूज भी नहीं कर पाते। तो आप इस तरीके की स्लीव्स बनवाइए जिन्हें आप हमेशा यूज कर सकते हो। अब वो कौन सी हो सकती हैं? एक तो होती है फुल स्लीव्स और चूड़ीदार स्लीव्स। चाहे आप पुरानी एक्ट्रेस को देख लो या फिर आप अभी की एक्ट्रेस को देख लो, जब आप उन्हें साड़ीज के साथ फुल स्लीव्स में देखोगे ना, वो आपको बहुत वर्सेटाइल नजर आती हैं, उनके लुक आपको बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, आप सोचते हो ऐसा क्या पहन रखा है इसने कि ये इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है। कुछ नहीं होता, सिर्फ बहुत सिंपल टिप्स को वो ब्लाउज के फॉलो करते हैं। साड़ियां उनकी बेशक डिजाइनर होती है, बट ब्लाउज वो हमेशा सिंपल पहनते हैं। आप उन्हें हमेशा पहन सकते हो, ट्रेंड भी कभी आउट नहीं होता, इन्वेस्ट आपको बहुत ज्यादा भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग फुल स्लीव्स नहीं पहन सकते, वो कौन सा ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं? वो पहन सकते हैं स्लीवलेस ब्लाउज। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब किसी को साड़ी में देखते हो और सेम साड़ी खुद मंगवा कर पहनते हो, तो आप सोचते हो उस पर तो इतनी अच्छी लग रही है, मुझ पे क्यों नहीं लग रही। वो इसलिए होता है कि वो जो एक्ट्रेस होते हैं ना, वो स्लीवलेस ब्लाउज पहनते हैं। ये चीज हमेशा देखिएगा आप लोग। अगर आप चाहते हो आप साड़ी में स्टाइलिश लगो, तो आपको जो है ना इस तरह के ब्लाउज के अंदर इन्वेस्ट करना है। इसे आप कस्टमाइज करा सकते हो या फिर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। आजकल इस तरीके के ब्लाउज
को परचेज करना एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि बेटर रहता है, कॉम्बो में मिल जाते हैं। तो इस तरीके का ब्लाउज राउंड नेक ले सकते हो, वी ले सकते हो, स्लीवलेस रखिए, ये देखिए इस तरीके से। इस तरह के ब्लाउज की अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, उस टाइम अगर एक्ट्रेस पहनते थे तब भी वो स्टाइलिश लगते थे। आने वाले टाइम की बात करूं या फिर अभी की मैं बात करूं, तब भी आप देखोगे ना, अगर इस तरह का ब्लाउज आपने साड़ी के साथ पहना है तो आप कितने स्टाइलिश लग रहे हो, या अगर आप किसी और को भी देखते हो तो वो भी कितना स्टाइलिश लगता है। इस तरह के ब्लाउज में कम इन्वेस्ट करोगे, ज्यादा उसे यूज कर पाओगे। मेरे पास तो ये कम से कम 6-7 ब्लाउज है डिफरेंट डिफरेंट कलर में, और मुझे बहुत बहुत काम आते हैं। लास्ट जो है, अगर आप स्टाइलिश ही लगना चाहते हो और आप चाहते हो कि कुछ ऐसा डिजाइन बनवाऊं जिसका कभी फैशन ही ना जाए, तो वो क्या होता है, आप अपने ब्लाउज में बनवा सकते हो बो। बो एक ऐसा पैटर्न है आपके ब्लाउज के लिए जिसका फैशन कभी नहीं जाता, एवर ग्रीन होता है। आप परमानेंट बो बनवा सकते हो या फिर आप जो है ना टेम्पररी बो बनवा सकते हो। इस तरह का जो बो है ना, आप अपने ब्लाउजेज में बैक पे बनवा सकते हो, बहुत बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगता है। एंड कभी ये जो नॉट स्टाइल के ब्लाउज होते हैं ना, इनका ट्रेंड भी कभी नहीं जाता। तो यही वो टिप्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ और अपने ब्लाउज में कम इन्वेस्ट करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज करती हूँ। हमारा आज का वीडियो बस यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।